नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज यानी कि IDT के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका सेकेंड पेपर और सेकेंड पेपर की दोस्तों सेकेंड यूनिट, यहाँ से जो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है उन पर हम चर्चा करेंगे और यूनिट टू में सभी चीज़ों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे। इसके पहले अगर आपने यूनिट वन नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वीडियो की लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी उसका वीडियो जो था वो शेयर कर दिया गया था, उसको भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यूनिट 1.2.1 के अंतर्गत आपका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अधिगम की विशेषताओं की यहाँ पर चर्चा होगी। अधिगम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम को ही हम लोग लर्निंग बोलते हैं या बोलते हैं सीखना। तो भैया आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर वो सीख रहा है कुछ ना कुछ तो उसकी मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो रहा है, वो अगर कुछ सीख रहा है तो वो रचनात्मक हो रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, भावात्मक पहलू उससे बेहतर हो रहे हैं और उसमें नई नई चीज़ों का समावेशन हो रहा है। जो चीज़ें उसको सीखनी है, जो नई चीज़ें उसको सीखनी है उनको भी वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति कैसे सीखता है, किन किन माध्यमों से सीखता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अधिगम की विशेषताओं पर अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सीखने के तरीके और प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है आपका अधिगम की विशेषताएं। ये विशेषताएं इस बात को परिभाषित करती हैं कि कोई व्यक्ति कैसे जानकारी प्राप्त करता है, उसे समझता है और उसका स्मरण रखता है। भाई कुछ होते हैं जो अपना कह सकते हैं कि टेक्निक बना लेते हैं कि हम ऐसे इसको याद रखेंगे, कोई कहते हैं हम भैया ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो सभी प्रकार के बच्चे, सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, उसको याद रखते हैं और उससे मानसिक भावात्मक और व्यवहारिक पहलू जो हैं वो बच्चे के क्या होते हैं, शामिल होते हैं और बेहतर होते हैं। हम कह सकते हैं कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया तो है लेकिन यदि हम लगातार अपनी समस्या का समाधान करते रहें, उनमें गतिविधियों को शामिल करते रहें तो फिर क्या होगा कि बेहतर रूप से हम और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अधिगम विशेषताओं के घटक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विशेषताएं, जिसमें हम स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने संग्रहित की उसको हमने कितनी ज़्यादा दिनों तक या कितनी देर तक या कितनी कम देर तक हमने याद कर किया, याद कर पाया और कितनी जल्दी याद कर पाया। ध्यान की बात करते हैं भैया, अटेंशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया कोई भी गतिविधि अगर हमें बच्चे को करानी है और यदि बच्चा वहाँ पर ध्यान लगा करके, अटेंशन लगा करके चीज़ों को कर रहा है तब वो क्या करेगा, जल्दी सीखेगा। किसी भी जानकारी और गतिविधि को यदि वो ध्यान लगा रहा है तो वो क्या करेगा, जल्दी सीखेगा और अगर ध्यान नहीं लगा रहा है तो वो देर से सीखेगा। यानी कि किसी जानकारी या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। इवैल्यूएशन यानी कि इसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, कहते हैं कि भैया जो भी जानकारी हमने सीख ली है, जो भी चीज़ें हमने सीख ली हैं उसकी हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि भैया कितना हमने सीखा और समस्या समाधान यानी कि समस्याओं का विश्लेषण करके उसका समाधान ढूंढना। कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, भाई ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया और उसके बाद में हमने समाधान को ढूंढा। तो ये चीज़ें हमारे सीखने के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भावात्मक विशेषताएं, इसमें कहेंगे मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। कहीं ना कहीं से व्यक्ति प्रेरित होता है काम को करने के लिए, उसको मोटिवेशन मिल रहा होता है यानी कि सीखने के प्रति रुझान उसको मिल रहा होता है, सीखने के प्रति तीव्रता उसको मिल रही होती है। और अगर बच्चे में आत्मविश्वास है यानी कि अपनी क्षमता और योग्यता पर बेहतर है तो भैया क्या करेगा, बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा। उसमें आत्मविश्वास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा। मान लीजिए बच्चे ने कुछ पूछा, आपने उसको डांट दिया, क्या बच्चा दोबारा पूछेगा, नहीं पूछेगा।
मान लीजिए बच्चा कुछ सीखने जा रहा है, आपने कहा आपसे नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास में कमी आ गई, लेकिन आपने भी उसको थोड़ा प्रोत्साहन दिया, मोटिवेशन दिया, उसमें भी भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसके बाद में व्यवहारिक विशेषताओं की अगर बात कर लें तो नियमितता, अध्ययन और अभ्यास में जो है निरंतरता बनाए रखना, या टाइम मैनेजमेंट, अध्ययन और अभ्यास की गतिविधियों में समय का प्रबंधन करना, सक्रियता, सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना, या हम कह सकते हैं सामाजिक, जहाँ पर बच्चा सहयोग कर रहा हो, जहाँ पर बच्चा कम्युनिकेशन कर रहा हो, सहयोग मिला करके भैया एक दूसरे से, समूह में मिलकर एक दूसरे से काम करना, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, विचारों और जानकारियों को प्रभावी ढंग से साझा करना, और अनुकूलन, किसी भी परिस्थितियों को अनुकूलित करने की क्षमता, उसको सरल से सरल बनाने की क्षमता। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि भैया आपका यहीं पर बात कर लेते हैं सीखने के, यहीं पर बात करते हैं सीखने के प्रकारों की, बात कर लेते हैं सीखने के प्रकारों की। तो हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोटर लर्निंग करते हैं, जो क्या करते हैं, मोटर लर्निंग करते हैं। तो मोटर लर्निंग अगर बच्चा करेगा तो बच्चा यानी कि चलकर, दौड़कर, ड्राइविंग करके अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को शामिल करेगा वहाँ पर, जहाँ पर उसकी पेशियाँ काम करेंगी, यानी कि उसके सूक्ष्मगामक कौशल और स्थूलगामक कौशल कार्य करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौखिक सीखते हैं, जो मौखिक सीखते हैं यानी कि वर्बल सीखते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है कि भाई अगर बच्चा वर्बल सीख रहा है, मौखिक संचार कर रहा है, जिसका उपयोग हम कह सकते हैं बच्चा भाषा के द्वारा, बच्चा ध्वनियों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा सीख रहा है, बच्चा संकेतों के द्वारा सीख रहा है, तो बच्चा मौखिक लर्निंग कर रहा है। बच्चा एक दूसरे की, कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो भी उद्दीपक उनके सामने है, एक दूसरे का भेदभाव करके सीख रहा है कि भाई इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो आपका भेदभाव अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाता है। कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणात्मक सीखना, जहाँ पर बच्चा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं, बुद्धि, तर्क, सोच का, या सोच को बेहतर कर रहा हो। संज्ञानात्मक सीखना आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, जहाँ पर बच्चा अपनी बुद्धि, सोच और तर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे करता है। तो ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणात्मक के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं इसके महत्व की, कि भाई अधिगम विशेषताओं की महत्व क्या है। तो कहेंगे अधिगम विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षकों के लिए क्या उपयोगी है, अधिगम विशेषताओं को समझकर शिक्षक शिक्षण विधियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सके। जो भी शिक्षण तकनीकियाँ बच्चे को दी जा रही हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सके, उसको अनुकूलित कर सके, उसको सरल रूप से प्रदान कर सके। और छात्रों के लिए क्या ज़रूरी होता है, छात्रों के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी अधिगम विशेषताएं हैं, इनको पहचान कर अपनी अध्ययन विधियों को सुधार सके और भैया प्रभावी ढंग से सीख सके। अधिगम विशेषताएँ सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। इन विशेषताओं को समझकर उसका उपयोग शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग यूनिट 2.2 की बात करते हैं। तो जब यूनिट 2.2 की बात करते हैं, तो केवल और केवल हम लोग अगर बात करें, तो केवल अगर मैं यहाँ पर इसको बाद में आपको पढ़ के बताऊँगा या कुछ भी होगा, हम जब भी बात करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के सीखने के जो तरीके होते हैं, या टाइप्स ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं, तो हम लोग चार चीज़ें याद करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल। केवल अगर इन चीज़ों को याद कर लो, विजुअल यानी कि देखकर, ऑडिटरी यानी कि सुनकर, कैनेस्थेटिक और आपका टेक्टाइल यानी कि आपका स्पर्श करके और आपकी गति करके, अगर हम इन चीज़ों को याद करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म भी आपकी VAKT की बहुत बार पूछी गई है, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल।
कहेंगे भैया कि भैया कुछ ऐसे विद्यार्थी जो दृश्य शिक्षार्थी कहलाते हैं, जो उन चीज़ों से बेहतर सीखते हैं, जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, इनके माध्यम से बेहतर सीखना, इनसे जानकारी प्राप्त करना, रंगों और दृश्य संकेतों का उपयोग करके जानकारी को याद रखना, पढ़ाई करते समय नोट्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें आपके दृश्य शिक्षार्थी के अंतर्गत आ जाती हैं कि बच्चे ऐसे याद करते हैं। दूसरा आपका श्रवण शिक्षार्थी, यानी कि वे शिक्षार्थी जो सुनकर बेहतर सीखते हैं, मान लीजिए लेक्चर के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, ऑडियो बुक्स के माध्यम से सुनकर के जानकारी को ग्रहण करना और बातचीत करना, जो भी सामूहिक चर्चा है इस पर जो मोहर है वो लगाई जाती है, इसका ध्यान बच्चों की ध्वनियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बच्चे संगीत के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। यहाँ पर हमने दोनों को ले लिया, आपका स्पर्श करके सीखना यानी कि टेक्टाइल के माध्यम से, और कैनेस्थेटिक सीखना यानी कि आपके शारीरिक रूप से सक्रिय होना। तो हम कहते हैं कि भाई जब भी बच्चा गति करके सीखता है तो गति करने में उसके हाथ पैर और जो भी उसका शरीर है, पूरा शरीर उसका काम करता है। जहाँ पर मूर्त तरीके से सीखना बच्चे को पसंद होता है, बच्चा दौड़ करके उस चीज़ को उठा करके लाता है, गेंद को मारता है, उछालता है, फेंकता है, बुराई करता है, कढ़ाई करता है, यानी कि शारीरिक रूप से जो उसका कार्य वो कर रहा है, तो वो आपका आपके कैनेस्थेटिक यानी कि गतिक लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। जहाँ पर हम लोग स्पर्श करके, टेक्टाइल्स के माध्यम से स्पर्श करके चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो वो आपका खास करके स्पर्श करके हमारे कौन सीखते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जब उनको हम कहते हैं कि भैया ब्रेल लिपि के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो भैया स्पर्श करके वो सीख रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग भी अपनी वास्तविक चीज़ों को अगर स्पर्श करके सीखते हैं। मान लीजिए बच्चे को अगर हमने एप्पल के बारे में सिखाया, तो एप्पल को अगर हमने उसको वास्तविक दे दिया, उसने अगर स्पर्श कर लिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये कलर होता है, मीठा होता है, तो भैया बच्चा और बढ़िया सीखेगा। तो भैया बच्चा स्पर्श करके भी सीखता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि छूकर, अनुभव करके और क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखता है। इसमें प्रतियोगी गतिविधियाँ, प्रयोगशाला कार्य और शारीरिक गतिविधियाँ जो है सीखना पसंद होती हैं। ये लोग सीखने के दौरान शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं और चीज़ों को करके देखना और अनुभव करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 2.3 की। हाँ भैया, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वीडियोस तो अपलोड की जाती हैं, लेकिन आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता कारण होता है कि जब ज़्यादा 3-4-5 वीडियो अगर एक दिन में मैं अपलोड कर देता हूं, तो फिर YouTube अपना जो लिंक है वो आप लोगों तक नहीं शेयर करता। तो उसके लिए भैया टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 16.6K का परिवार वहाँ पर आपको मिलेगा। इसको आप सर्च करोगे, मिल जाएगा, अपना ये लोगो लगा मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस हैं उनकी लिंक वहाँ पर आपको पहुँचती रहेगी। बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। तो कहेंगे कि शिक्षण कार्यक्रम में योजना बनाते समय सीखने की शैलियों की पहचान और मूल सिद्धांत। भाई जब भी शिक्षण कार्यक्रम बच्चे को पढ़ाया जाता है, जब भी बच्चे को बुनियादी शिक्षा दी जाती है, तब हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स में बच्चे को हम विजुअल, बच्चे को ऑडिटरी, बच्चे को पढ़ना लिखना, बच्चे को गति करके, इन सभी चीज़ों से बच्चे को हम लोग सिखाएं। और अगर बच्चा इन सभी चीज़ों से सीखता है, यानी कि वैन आरेख के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, अवलोकन करके, या कह सकते हैं किसी भी नोट्स के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, वाइट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, तो भैया क्या होता है कि बच्चा वहाँ पर और बेहतर सीखता है दृश्य चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो शिक्षार्थियों का व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और शैक्षिक प्रदर्शन को सावधानीपूर्वक अवलोकन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में भैया प्रश्नावली और सर्वेक्षण करते हैं, विभिन्न प्रश्नावली और सर्वेक्षण के माध्यम से उसकी पसंद की चीज़ें और सीखने की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उससे क्या करते हैं भैया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम लोग डायरेक्ट बातचीत करते हैं शिक्षार्थियों के, सीधे बातचीत करके और प्राथमिक
आवश्यकताओं के बारे में जानना। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि भैया उसका बच्चा जो है उसकी परीक्षाओं के माध्यम से उसकी गतिविधियों के और कमजोरियों के बारे में, क्षमताओं के बारे में विश्लेषण करना। सीखने की विशेषताओं में आपके दृश्य विशेषताएं, जहां पर हम लोग ग्राफ चार्ट के माध्यम से सिखा रहे थे, नोट्स के माध्यम से सिखा रहे थे, रंग दृश्य के माध्यम से सिखा रहे थे। श्रवण विशेषताओं के अंतर्गत लेक्चर, ऑडियो, संगीत के माध्यम से सिखा रहे थे। स्पर्श के अंतर्गत हम भैया किसी भी गतिविधि को प्रयोग के माध्यम से सिखाना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और भैया क्रियाकलापों के माध्यम से सिखाना। इम्पॉर्टेंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लो ऐसे करके। पेपर में बहुत बार आपका ये पूछा गया, हो सकता है आपके फोर्थ पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूछ लिया जाए और यहाँ पर भी आपसे पूछ लिया जाए, दोनों जगह पर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। कहते हैं भैया बहुबुद्धि की अवधारणा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, तो हमने कहा कि भैया हार्वर्ड गार्डनर जी ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, बहुबुद्धि के बारे में बताया और कहा इन्होंने कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, प्रत्येक बुद्धि ना किसी के पास होती है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इन्होंने पुस्तक लिखी भैया 1983 में इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये इन्होंने पुस्तक लिखी जो कि गार्डनर जी के द्वारा लिखी गई। इनमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई और प्रत्येक बुद्धि के बारे में बताया कि भैया प्रत्येक बुद्धि जो है वो एक दूसरे से अलग होगी, जो भी बच्चा सीखेगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार सीखेगा। कहेंगे भैया पहली आपकी भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषा और शब्दों का उपयोग करके बच्चा सीखे, बच्चा भाषाओं और शब्दों का उपयोग करके बच्चा सीखे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मौखिक रूप से बच्चा सीख रहा हो। तार्किक बुद्धि, यानी कि भैया जिसके पास में गणित, तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। दृश्य स्थानिक बुद्धि, भैया स्थान के बारे में सोचना, उसका चित्रण करना और दृश्य कौशल को बनाना, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा मानचित्र को बेहतर बना पाएगा, उसकी जानकारी को समझ पाएगा, तो भैया दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि, जो बच्चे बढ़िया से अपना डांस कर लेते हैं, शारीरिक गतिविधियों और हाथ के कौशलों को वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, उनके पास शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। इसके बाद में अपना सांगीतिक बुद्धि, यानी कि सुर लय ताल जिनके पास बेहतर होती है, संगीत और ध्वनियों को बेहतर से वो समझ पाते हैं, कुशलता होती है, तो संगीतात्मक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऐसे लोग जो संवाद करने में और समझने की क्षमता जिनके पास बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भैया अंतरावैयक्तिक बुद्धि। और आपकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि, एक आपका इंटरपर्सनल, एक आपका इंट्रोपर्सनल, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आत्म जागरूकता और आत्म समझ जिनमें होती है, ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका इंटरपर्सनल क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया दूसरे के, इसको अगर हम इसकी बात करें 6 नंबर वाले की, इसकी बात करें तो कहेंगे भैया दूसरे की भावनाओं को समझना आपका अंतरवैयक्तिक, दूसरे की प्रेरणा, उसके व्यवहार, व्यक्तियों को समझना, जैसे कि आपका एक साइकोलॉजिस्ट होता है। और आपका अंतरवैयक्तिक यानी कि इंट्रोपर्सनल हम कहेंगे भैया, या इंट्रा पर्सनल जिसको हम लोग कहेंगे, तो कहेंगे कि भैया इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, धर्म नेता हो सकते हैं, तो यानी कि संवाद करने में बेहतर होंगे और चीज़ों को आत्म जागरूकता और समझ इनके पास बढ़िया होगी। प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि अपना किसान, प्राकृतिक बुद्धि किसके पास होती है, किसान के पास बहुत ज़्यादा होती है, जो प्राकृतिक तत्वों को समझता है और भैया उस पर विश्लेषण करता है। इसके बाद में यूनिट 2.4 की बात कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं विकासात्मक विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन में सीखने की शैलियों की भूमिका। जब भी हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारे विकासात्मक छात्र हैं इनके मूल्यांकन में अगर हम सीखने की शैलियों की बात करें, तो कहेंगे कि इसके 3 बुनियादी शैलियां जो होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 बुनियादी शैलियाँ, एक आपकी श्रव्य, एक आपकी दृश्य
एक आपकी श्रव्य, एक आपकी दृश्य और तीसरी आपकी गतिज। ये शैलियाँ जो होती हैं, यानी कि दृश्य शिक्षार्थी सुनने की बजाय देखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखकर याद करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहीं श्रव्य शिक्षार्थी देखने की बजाय सुनकर ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही गति शिक्षार्थी भैया सक्रिय होकर के सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें बच्चे का व्यक्तिगत अनुकूलन, प्रत्येक छात्र को सीखने की शैलियाँ अलग होती हैं, और जब सीखने की शैलियाँ अलग होंगी तो भैया दृश्य सामग्री, व्याख्यान और स्पर्श तथा क्रियात्मक विधियों के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखेगा। मल्टीमीडिया या मल्टी मॉडल का उपयोग करके हम लोग अक्सर विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए वाले छात्रों के लिए अधिक सीखने की शैलियों का उपयोग करते हैं, इसलिए शिक्षकों को मल्टी मॉडल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से तकनीकों का उपयोग जैसे कि दृश्य, श्रव्य और स्पर्शात्मक संसाधन देखने को मिलता है। इसके बाद में सशक्तिकरण और आत्मविश्वास, जहाँ पर छात्रों के अनुकूलन करने की क्षमता, सीखने की शैलियाँ और इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, ताकि वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकें और वह सक्रिय रूप से भागीदारी दे सकें। उसकी समझ का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो कहेंगे सीखने की शैलियों का ध्यान रखते हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया और डिज़ाइन को या इसको सुनिश्चित करना और वास्तविक समझ के आकलन को बेहतर करना। उदाहरण के लिए कुछ छात्र मौखिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अन्य लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चों के लिए शिक्षण कैसा, तो लचीला शिक्षण, फ्लेक्सिबल शिक्षण बनाना, सीखने के लिए समावेशी शिक्षण का उपयोग करना, जहाँ पर बच्चा आरामदायक रूप से सीख सके और भैया समग्र विकास बच्चे का हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो आपका नया सिलेबस है, यहाँ पर यूनिट 2 में आपको केवल 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ही पढ़ने को मिलेगा। जो अपना 2.4 में था वो 2.3 में कर दिया गया है और 2.5 यहाँ से इन्होंने हटा दिया है, तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा यूनिट 2 के अंतर्गत। तो अगर वीडियो भैया अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन का भारत का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, में बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।